जोहार दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। जो भी अक्टूबर मंथ के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स बने उन्हें हम यहाँ पे डिटेल से करेंगे। फ्रेंड्स, आप इसका कंप्लीट करंट अफेयर्स चाहते हैं, ओनली 149 रुपीज़ में हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है 2 वर्षों का करंट अफेयर्स, जहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मेरे द्वारा कराया जा रहा है। सारा PDF आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाता है, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स, झारखंड करंट अफेयर्स, ये सभी वहाँ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अक्टूबर 2023 के पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राय किसियांग झोंग को ये प्रतिष्ठित रामानुजन 2023 का पुरस्कार दिया गया है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के द्वारा ये पुरस्कार होता है, ये प्रदान किया जाता है। ये गणित के प्रोफेसर है, तो उनके जो भी उत्कृष्ट योगदान रहे हैं मैथ्स के फील्ड में उनके लिए इसे सम्मानित किया गया है। प्रश्न दो, चर्चित हाइकुन पनडुब्बी का संबंध किस देश से है? तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये है रिलेटेड ताइवान से, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में ताइवान देश ने पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकुन का अनावरण किया है। तो इस पनडुब्बी के विकास का मुख्य उद्देश्य संभावित चीनी हमले के मौजूदा खतरे के खिलाफ अपनी सुरक्षा को मजबूत करना है। तो आप जानते हैं चाइना और ताइवान के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट सुनने को मिलते रहता है। तो ताइवान पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप है और राजधानी क्या है इसकी? तो ताइपे। प्रश्न तीन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हर वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का उद्देश्य शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा देना है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्थापित किया था। प्रश्न चार, सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने किस देश की फुटबॉल टीम को हराकर जीता है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान को हराकर भारत ने जीत लिया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न पाँच, गांधी जयंती 2023 की थीम क्या थी? तो फ्रेंड्स, गांधी जयंती 2023 की थीम थी एक तारीख एक घंटा और एक साथ। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर साल विश्व भर में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। वर्ष 2023 में महात्मा गांधी की जो क्या 154वीं जयंती थी। प्रश्न छः, रॉबर्ट फिको को किस यूरोपीय देश के का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बनाया गया है रॉबर्ट फिको को। तो यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है ये, किसकी कैपिटल क्या है? ब्रिस्टी साल्वा इसकी कैपिटल है और करेंसी इसकी यूरो है। प्रश्न सात, देश का पहला दिव्यांग खेल सेंटर अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर किस राज्य में स्थित है? तो इसे किस राज्य में स्थित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। देश का पहला अत्याधुनिक दिव्यांग खेल परिसर अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। प्रश्न आठ, हाल ही में मोहम्मद मैजूज को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मालदीव इज द राइट आंसर। तो मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है, राजधानी इसकी माले और मुद्रा मालदीवी रुपया इसकी मुद्रा है। प्रश्न नौ, देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किस राज्य में बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये सब बनाया गया तेलंगाना में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग का उद्घाटन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया है। इस साइकिलिंग ट्रैक की कुल लंबाई 23 किलोमीटर है और इस ट्रैक का नाम हेल्थवे है। 2 नंबर 10 संप्रीति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और बांग्लादेश के बीच किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति युद्ध अभ्यास का 11वां संस्करण मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ है। संप्रीति युद्ध अभ्यास का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका और इसकी करेंसी टका।
प्रश्न 11, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 की थीम क्या है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। प्रश्न 12, एशियाई खेलों में भारत फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनु रानी। ये एशियाई खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। तो चीन में खेले जा रहे एशियन गेम्स 2023 में भारतीय एथलीट अनु रानी ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। प्रश्न 13, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया जाता है? आप सभी को पता है वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, आईसीसी के द्वारा ये करवाया जा रहा है, तो ये भारत में ही हो रहा है, तो ये पूछा जा रहा है कि इसका ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया है। तो बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 14, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो फ्रेंड्स ये पहली महिला है सुधा मूर्ति जी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय लेखिका सुधा मूर्ति को इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसके साथ ही सुधा मूर्ति ग्लोबल इंडियन अवार्ड वाली पहली महिला भी बन चुकी है पाने वाली। तो सुधा मूर्ति को यह सम्मान साहित्य परोपकार के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। सुधा मूर्ति से पहले उनके पति और इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के संस्थापक नारायण मूर्ति को भी यह पुरस्कार 2014 में दिया गया था। तो आप सभी को पता है इन्फोसिस के ये लोग फाउंडर भी हैं। प्रश्न 15, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया? तो जीडीपी दर ग्रोथ रेट कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.3, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 16, भारत में हर साल वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर मंथ में मनाया जाता है, 2 से 8 अक्टूबर तक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन जीव सप्ताह प्रति वर्ष भारत में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। पहला वन जीव सप्ताह वर्ष 1957 में मनाया गया था। इस वर्ष वन जीव सप्ताह की थीम क्या रखी गई है? तो पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वन्यजीव सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य भारत के वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और संरक्षण करना है। तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी। हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 17, हाल ही में विजयपुर औरैया फूलपुर गैस पाइपलाइन परियोजना किन दो राज्यों के मध्य शुरू की गई है? तो ये शुरू हुआ है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच। 18, एक दिवसीय विश्व कप 2023 का पहला मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में खेला गया था। तो 5 अक्टूबर से वनडे विश्व कप 2023 शुरू हो गया है। विश्व कप 2023 का पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में खेला गया। प्रश्न 19, हाल ही में भारत सरकार ने किस नए बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है? यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के लिए गठन के लिए मंजूरी दिया गया है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाने का मुख्य उद्देश्य हल्दी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और हल्दी की खपत को बढ़ाना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजारों को विकसित करना और निर्यात बढ़ाने के लिए नए उत्पादों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। हल्दी के विश्व व्यापार में भारत की कितनी हिस्सेदारी है? तो 62.62% से अधिक हिस्सेदारी है। तो भारतीय हल्दी के लिए प्रमुख निर्यात बाजार कौन कौन सा है? तो बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और मलेशिया है। अगला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो एशियन गेम्स 2022 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे को 26-25 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। एशियाई खेलों में कबड्डी को 2010 में शामिल किया गया था, जिसके बाद महिला कबड्डी का यह तीसरा स्वर्ण पदक था। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने इससे पहले 2010 और 2014 में स्वर्ण पदक जीता था। प्रश्न 21, हाल ही में किसे जियोमार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स जियोमार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी जी को बनाया गया। प्रश्न 22, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को कितना आरक्षण दिया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए 33% इज द करेक्ट आंसर। तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर, यहाँ के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत, और सीएम है सिद्धरमैया, यहाँ के सीएम है।
प्रश्न 22, हाल ही में किस देश ने क्रूज मिसाइल ब्यूरिस्टनिक का परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रशिया के द्वारा किया गया है। तो हाल ही में रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सक्षम क्रूज मिसाइल ब्यूरिस्टनिक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। प्रश्न 24, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी, इसलिए प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में वायुसेना का ये 91 स्थापना दिवस था। एयरफोर्स डे 2023 की थीम क्या रखी गई थी? एयर पावर बियॉन्ड बॉर्डर्स। प्रश्न 25, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का नवा चरण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स ए इज द करेक्ट आंसर, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच ये शुरू हुआ है। तो सागर परिक्रमा कार्यक्रम के बारे में जानते हैं, तो ये नवा चरण तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय जिलों में शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन से संबंधित है, मीन्स मछली पालन से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का प्रसार प्रचार करना है, सतत संतुलन पर ध्यान देने के साथ उत्तरदायित्वपूर्ण मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम होता है उसकी सुरक्षा भी करना है। इस कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत मार्च 2022 को मांडवी से की गई थी और इसका समापन 6 मार्च 2022 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। सागर परिक्रमा के पहले 8 चरणों में गुजरात, दीव और दमन, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार सहित 8 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4,115 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। प्रश्न 26, हाल ही में इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी काफी न्यूज में बना हुआ रहा है, तो ऑप्शन डी ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। में फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास ने इजराइल पर हमला किया। हमले के दौरान इजराइल ने नागरिकों की रक्षा के लिए ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया है। तो हमास क्या है? तो हमास की स्थापना 1980 के दशक में हुई थी। एक फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन और एक राजनीतिक पार्टी अपने आप में मानते हैं, लेकिन ये एक आतंकवादी समूह है। इजराइल राष्ट्र अरब में स्थित है, एक देश है। इसकी कैपिटल जेरूसलम, प्रधानमंत्री यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू है। प्रश्न 27, हाल ही में किस राज्य में नीरमहल जल महोत्सव आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये त्रिपुरा में किया गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले में 3 दिवसीय नीरमहल जल महोत्सव आयोजित किया गया था। नीरमहल जल महोत्सव हर साल त्रिपुरा के स्थानीय लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। उत्सव के दौरान कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नीरमहल उत्सव का सबसे प्रमुख रुद्रसागर झील में होने वाली नौका दौड़ प्रतियोगिता है, जिसमें रुद्रसागर झील के आसपास रहने वाले मछुआरा समुदाय के लोग प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। प्रश्न 28, द बुक ऑफ लाइफ माय डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस हाल ही में किस राज्य की रसबली मिठाई को GI टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा के जो रसबली मिठाई, इसे GI टैग प्रदान किया गया है। तो हाल ही में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले के प्रसिद्ध मिठाई रसबली को GI टैग प्रदान किया गया है। रसबली मिठाई की उत्पत्ति यहाँ के 262 साल पुराने श्री बालादेव जी मंदिर से हुई है। मंदिर के इष्ट देव को रसबली मिठाई भोग के रूप में चढ़ाई जाती है, उसे ही GI टैग प्रदान किया गया है। प्रश्न 30, हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन स्फन को राज्य जल जीव घोषित किया है? तो ये किसके द्वारा घोषित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में पाई जाती है। गंगा नदी के अलावा गंगा डॉल्फिन यमुना, चंबल, घाघरा और ये ताप्ती होना चाहिए, ताप्ती और गेरुआ आदि नदियों में पाई जाती है। प्रश्न 31, भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गोवा में किया गया था। तो बी इज द राइट आंसर। जलवायु परिवर्तन के कारण भारतीय समुद्री क्षेत्र अधिक प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए इस अभ्यास के दौरान मानवीय संकटों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सामूहिक और संयुक्त रूप से प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।
प्रश्न 32 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है, ये ब्रॉन्ज जीते हैं कांस्य पदक, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 33 भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल किस राज्य में स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तमिलनाडु का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। यह तटीय मंदिर मल्लालपुरम महाबलीपुरम में स्थित है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। यह उपलब्धि ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट के कारण हासिल हुई है। इस प्रोजेक्ट के तहत मंदिर को रोशन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से उत्पन्न की जाती है। सौर संयंत्र न केवल तट मंदिर को रोशन करेंगे बल्कि नए स्थापित रिवर्स ऑसमोसिस संयंत्र को भी बिजली प्रदान करते हैं। इस मंदिर के आसपास मौजूद प्रचुर सौर ऊर्जा का दोहन करने के लिए रणनीतिक रूप से 10 किलो वाट की क्षमता वाले 3 और संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तमिलनाडु में तटीय मंदिर मल्लालपुरम में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर परिसर है जो भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित है। प्रश्न 34 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो फ्रेंड्स भारत 111वें स्थान पर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 में 121 देशों में 107 स्थान मिला था भारत को। 35 हाल ही में पोर्ट्स नामक टेक्टोनिक प्लेट किस महासागर में खोजी गई है, तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन बी प्रशांत महासागर उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर में टेक्टोनिक प्लेट खोजी गई है। प्रश्न 36 संस्कार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो ये आयोजित किया जाता है लद्दाख में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लद्दाख की कैपिटल लेह। प्रश्न 37 सुल्तान जौहर कप का आयोजन किस देश में किया जाता है, तो फ्रेंड्स सुल्तान जौहर कप का आयोजन किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलेशिया में। हाल ही में हॉकी इंडिया ने 11वें सुल्तान जौहर कप में भाग लेने के लिए 20 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम की घोषणा की है। प्रश्न 38 इसराइल और फिलिस्तीन से भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जो भी इसराइल और फिलिस्तीन में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। तो इसराइल और हमास के बीच बीते इतने दिनों से जो जंग जारी है, ऐसे में युद्धग्रस्त इसराइल में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। प्रश्न 39 निम्न में से कौन सा देश 9वें P20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, तो हमारा देश भारत कर रहा है पार्लियामेंट 20 जिसे कहते हैं, G20 के लास्ट में होता है ये, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में 9वें P20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर संसदीय संघ के सहयोग से भारतीय संसद द्वारा किया जा रहा है। तो द थीम ऑफ द 9th P20 समिट इज पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। प्रश्न 40 हाल ही में बांग्लादेश में पद्म ब्रिज रेल लिंक परियोजना का शुभारंभ हुआ है, इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया जा रहा है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना के द्वारा किया जा रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर। तो ये अक्टूबर मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट 2023 अक्टूबर के प्रश्न थे मैं आपको यहाँ सारा करवा दी हूँ फ्रेंड्स, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप। तो ये आज का यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी का धन्यवाद।